जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज एक बार वापस आप सबके सामने आ चुका हूँ आप सबकी एक और नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत में मोटे लोगों की तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज करीब 4 करोड़ 10 लाख ऐसे लोग भारत में मौजूद हैं जिनका वजन सामान्य से कहीं ज़्यादा है। अधिकांश लोग शुरुआत में मोटापा बढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, लेकिन जब मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसे घटाने के लिए घंटों पसीना बहाते हैं। मोटापा घटाने के लिए खान पान में सुधार जरूरी है। कुछ प्राकृतिक चीज़ें ऐसी हैं जिनके सेवन से वजन नियंत्रित रहता है, इसीलिए यदि आप वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तुओं से परहेज करें। शक्कर, आलू और चावल में अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, ये चर्बी को बढ़ाता है। दूसरा, केवल गेहूं के आटे की रोटी की बजाय गेहूं, सोयाबीन और चने के मिश्रित आटे की रोटी ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए, इसलिए कोशिश करें कि आप इसका सेवन करें। रोज पत्ता गोभी का जूस पिएं। पत्ता गोभी में चर्बी घटाने के गुण होते हैं दोस्तों, इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है। चौथा, पपीता नियमित रूप से खाएं, यह हर सीजन में मिल जाता है। लंबे समय तक पपीता के सेवन से कमर की अतिरिक्त चर्बी कम हो जाती है दोस्तों। दही का सेवन करें। जी हाँ, पांचवा नंबर है, दही का सेवन करने से शरीर की फालतू चर्बी घट जाती है दोस्तों। छाछ का भी सेवन दिन में 2-3 बार आप कर सकते हैं। छठा, छोटी पीपल का बारीक चूर्ण पीसकर उसे कपड़े से छान लें। यह चूर्ण 3 ग्राम रोजाना सुबह के समय छाछ के साथ लेने से बाहर निकला हुआ पेट अंदर हो जाता है दोस्तों। नंबर 7, आंवले व हल्दी को बराबर मात्रा में पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को छाछ के साथ लें, कमर एकदम पतली हो जाएगी दोस्तों। नंबर 8, मोटापा कम नहीं हो रहा हो तो खाने में कटी हुई हरी मिर्च या काली मिर्च को शामिल करके बढ़ते वजन पर काबू पाया जा सकता है। एक रिसर्च में पाया गया कि वजन कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका मिर्च खाना है। जी हाँ, मिर्च में पाए जाने वाले तत्व कैप्साइसिन से भूख कम होती है, इससे ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है जिससे वजन कंट्रोल रहता है दोस्तों। नंबर 9, 1 चम्मच पुदीना रस को 2 चम्मच शहद में मिलाकर, यानी कि करना क्या है आपको, 1 चम्मच पुदीना रस को 2 चम्मच शहद में मिलाकर इसका सेवन करते रहने से मोटापा कम हो जाता है दोस्तों। नंबर 10, सब्जियों और फलों में कैलोरी की मात्रा कम होती है, इसीलिए इनका सेवन अधिक मात्रा में करें। केला और चीकू ना खाएं, इनसे मोटापा बढ़ता है। पुदीने की चाय बनाकर पीने से मोटापा कम होता है। नंबर 11 दोस्तों, खाने के साथ साथ टमाटर और प्याज का सलाद काली मिर्च व नमक डालकर खाएं। इससे शरीर को विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, लाइकोपीन और ब्लूटीन मिलेगा। इन्हें खाने के बाद खाने से पेट जल्दी भर जाएगा और वजन नियंत्रित हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये एपिसोड रहा आपके लिए, या यूं कहें हमारी औषधि रही आपके लिए, औषधियाँ कहें ज़्यादा बेहतर होगा, करेक्ट वर्ड होगा आप सभी के लिए, औषधियाँ। ये औषधियाँ मिलकर के आपके पेट की चर्बी को कम करेंगी दोस्तों। हाँ, इसके साथ साथ सुबह उठते ही 250 ग्राम टमाटर का रस 2-3 महीने तक अगर आप पीते हैं तो भी पेट अंदर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा आज का ये टॉपिक यहीं तक। अगली बार हम मिलेंगे आप सभी से एक और नई औषधि को लेकर के, एक और नया टॉपिक लेकर के दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।